स्पीकर ने कौमी असम्बली में मुतनाज़ कानून साजी के मामले पर कमेटी बना दी। स्पीकर असद कैसर ने कौमी असम्बली में पार्लिमानी पार्टियों के रहनुमाओं की मशावरत से मुतनाज़ कानून साजी के मामले पर 14 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वफाकी वज़रा परवेज़ खटक, असद उमर, तारिक बशीर चीमा और हमीदा मिर्ज़ा समेत वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान, खालिद मकबूल सदीकी और खालिद मक्सी शामिल हैं। लाहौर धमाके के मुलजिमान की गिरफ्तारी के करीब पहुंच गए हैं। ट्विटर पर जारी वीडियो बयान में शेख रशीद ने कहा कि पुलिस ने जोहर टाउन धमाके की तहकीकात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और पंजाब पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के करीब है। पुलिस जल्द मुलजिमान को कानून की गिरफ्त में लेकर अच्छी खबर सुनाएगी। पिशावर जलमी के हैदर अली और उमैद आसिफ PSL फाइनल से बाहर। HPL पाकिस्तान सुपर लीग 6 के लिए बनाए गए बायो सिक्योर प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी करने पर पिशावर जलमी के दो खिलाड़ियों हैदर अली और उमैद आसिफ को मुअत्तल कर दिया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को आज होने वाले इवेंट के फाइनल में शिरकत की इजाज़त नहीं होगी। करीना कपूर ने सलमान खान को खराब अदाकार करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक करीना कपूर ने माजी में दिए गए एक इंटरव्यू में सलमान खान की अदाकाराना सलाहियतों पर तनकीद करते हुए कहा था, ना मैं सलमान खान की मदा हूँ और ना ही मुझे सलमान खान पसंद हैं। करीना कपूर ने सलमान खान को खराब अदाकार करार दिया था, जबकि इनके मुकाबले में बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की तारीफ की थी और कहा था कि कोई भी लड़की शाहरुख की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकती है।